भैया, ओ भैया, नहीं बच पाएंगे भैया। क्या हुआ भाई? ए भाई, नहीं बच पाएंगे भाई। क्या हुआ भाई? अरे हल्दिया के बगल में आए, घर के बगल में आ गया भाई। ये क्या बात कर रहे हो? देखो भाई, देखो COVID-19 इन हल्दिया डॉक। ए भैया देखिए, घर के बगल में आ गया भैया। देखिए भैया, अरे हल्दिया में भी हल्दिया पोर्ट ऑपरेशन हिट। क्या है भाई? अरे क्या है बोले भैया, अब तो घर के बगल में हो गया, अब हम क्या कहें। कहाँ? अरे बगल में किचन में भैया, जहाँ खाना खाने जाते हैं भैया। आगे वो अपना किचन, बस बस वही बगल में उधर के ले गया अभी तुरंत भैया। क्यों नहीं हुआ अभी तक? अरे क्या होगा भैया, बड़ी टेंशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अपनो गए का समझ में नहीं आ रहा है। ये बाप, ये देख, ये बात दुनिया उलट से पुलट हो गया। ये आदमी करे जा पर बर्फ का सिल्ली लेके शांति से बैठा हुआ है भाई। अरे चल रे भाई, देखो तो क्या हुआ। बाप रे बाप, ये भाई, बाप रे बाप। उठ जाइए, हरे कृष्णा, बैठ जाइए। इतने आप लोग घबराए हुए क्यों हैं? अरे प्रभु जी, सब मर गया प्रभु गुरुजी, कोई नहीं बचा है। वो पोदरवा का बेटा है ना, वो मर गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप इतना शांत में कैसे बैठे हुए हैं? सब जगह उछल पुथल हो गया एकदम, सब जगह महामारी छा गया, इतना चैन में कैसे रह सकते हैं आप? समझे नहीं आ रहा, मतलब इतना निश्चिंत बेफिक्र होकर एकदम पेड़ के नीचे एकदम हवा खा रहे हैं, यहाँ दुनिया में आग लगा हुआ है। यही मैं पढ़ रहा था विभागवत में, जो आपने पूछा कि कैसे मैं इतने भगदड़ की स्थिति में भी इतनी शांति से रह सकता हूँ, भय रहित रह सकता हूँ। ये भागवत में दिया हुआ है। यश्याम वैशूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पत्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। जिस प्रकार से सूर्य आने से अपने आप अंधकार खत्म हो जाता है, वैसे ही जब भक्ति करते हम कृष्ण के हृदय में आ जाते हैं तो शोक और मोह दोनों भय सब क्या होते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भय अपने आप हृदय से चला जाता है। जैसे मैं एक बार 3 साल का छोटा बच्चा था, तो एक बार छुट्टियों में मैं अपने नानी घर गया भागलपुर। तो हम लोग ट्रेन से जा रहे थे तो बीच में एक क्यूल नाम का स्टेशन आया, वहाँ पर कुछ देर तक ट्रेन रुका करती थी। तो पिताजी के साथ मैं उतरा था और मेरे को नए नए कपड़े पहनाए गए थे क्योंकि नानी घर जा रहा था, और उस समय एक जूता आता था, जूते में उस समय वो स्प्रिंग था और लाइट भी चमकता था। तो मैं चल रहा था तो आवाज़ हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था और मैं बहुत ही आनंदित हो गया अपने कपड़ों में, जूतों में, और पापा से मेरा ध्यान हट गया, मैं घूमने लगा, बड़ा आनंद था। तब तक उधर से भी एक ट्रेन आ गई, अब दोनों तरफ ट्रेन, और मैं घूम रहा था, मैं छोटा बच्चा, मुझे समझ में नहीं आया कि इस ट्रेन में जाना है कि इस ट्रेन में जाना है। अब मैं पूरा घबरा गया, पिताजी भी दिखाई नहीं दे रहे थे, मैं इतना घबरा गया, पिताजी कहाँ गए, अब मेरा जूता, मुझे कपड़े कोई आनंद नहीं दे रहे थे, मैं पूरा भयभीत हो गया। क्या करता, जोर से चिल्लाया पापा। मेरी आंखें बंद थी तभी उधर से एकाएक कोई हाथ आया और मेरे हाथों को पकड़। मेरे पिताजी आके मुझे ट्रेन के अंदर ले गए। तो देखिए मुझे कितना भय हो गया था, होगा कि नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने पिताजी को पुकारा, पिताजी आ गए, तो सब भय खत्म। तो वैसे ही हम लोग भी इस दुनिया में घूम रहे हैं और अपने परम पिता को भूल गए हैं, इसके कारण हमारे हृदय में क्या लगता है, भय लगता है। लेकिन बताया गया है भक्तिर उत्पद्यते पुंसान शोक मोह भयापह। जब हम भगवान से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं तो भय नहीं रह जाता। इसीलिए अगर आप लोग भी अपना रिश्ता भगवान से जोड़ लेंगे तो आपको भय नहीं रह जाएगा। भगवान जो है कण कण में विराजमान है, आपके हृदय में भी परमात्मा अपने रूप में भगवान विराजमान है, और उस करुणा जिससे आप डर रहे हैं वायरस से, उसके हृदय में भी कौन है, भगवान है। तो अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो क्या करुणा आपको संक्रमित कर सकता है? प्रहलाद महाराज ने जहर खा लिया फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने उनकी रक्षा
कर ली, इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप भी अपने भगवान से अपने रिश्ते को जोड़ सकते हैं भगवान का नाम लेके। कलयुग का तारक मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माया cannot come before Krishna, because just like the sun, sun shines, their ignorance or darkness cannot come, cannot approach. But if actually one surrenders, then there is no question of attack of Maya today. All attack of Maya finished. And the difficulty is that we have got doubt, we do not surrender, we do not understand Krishna, and therefore the difficulty is always disturbed. Thank you.